राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2023 का मैच नंबर 26 खेला गया। इस मुकाबले की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 154 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। टीम जयपुर के होम ग्राउंड पर एक छोटा टोटल बनाने में कामयाब रही, लेकिन टीम के लिए फाइटिंग टोटल माना गया। दरअसल आपको बता दें कि लखनऊ के लिए केवल काल मारिस और केएल राहुल की ही पारियां आई। इसके अलावा टीम का कोई भी बल्लेबाज 30 या उससे ज्यादा रनों की पारी नहीं खेल पाया। राजस्थान के लिए भी शानदार गेंदबाजी अश्विन ने की और टीम के लिए 2 विकेट चटकाए। इसके अलावा तमाम गेंदबाजों को भी विकेट मिले। 155 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम की शुरुआत काफी शानदार रही। यशस्वी जायसवाल जॉस बटलर की साझेदारी ने टीम को 11.3 ओवर में ही 87 रन तक पहुंचाया। लगा कि राजस्थान रॉयल्स इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगी, लेकिन इसके बाद टीम के विकेट पतन का काम शुरू हुआ और लगातार टीम एक के बाद एक विकेट खोती चली गई। टीम के ओपनिंग बल्लेबाजों के विकेट खोने के बाद टीम ने लगातार अपने कप्तान और तमाम बल्लेबाजों के विकेट खो दिए। हालांकि इसके बावजूद भी लगा कि राजस्थान शायद इस मुकाबले को जीत ले, क्योंकि टीम के लिए यंग बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इसके बाद फिर लखनऊ के गेंदबाज आए आवेश खान। आवेश खान की बात करें तो उन्होंने अपने स्पेल के 4 ओवर में 25 रन खर्च करके 3 विकेट चटकाए। 6.25 के इकोनॉमी से रन खर्च की। आवेश खान की गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने इस दौरान कैचेस भी पकड़े और विकेट भी निकाले। सबसे पहले आवेश खान ने टीम राजस्थान के सबसे खतरनाक बल्लेबाज शिमरन हेटमायर का विकेट लिया। इसके बाद आखिरी ओवर में ध्रुव जुरेल और साथ ही देवदत्त पडिक्कल का विकेट निकालने के बाद गेम चेंजर ऑफ द मैच बनने का काम किया और टीम को इस मैच में 10 रनों से जीत दिलाने का भी काम किया। आवेश खान की ही गेंदबाजी की बदौलत लखनऊ की ये जीत रही और लखनऊ ने पॉइंट टेबल में नंबर 2 के स्थान को और पक्का किया। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।